बोल्ड वॉइस में आपका स्वागत है। इवनिंग अपडेट्स के साथ मैं शबाज शेख। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। तो आज की खबर कठुआ से आ रही है कि चिनाब टेक्सटाइल मिल्स के मजदूरों ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान लगभग 4000 मजदूर शामिल थे और इस प्रदर्शन में इन्होंने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद किया। काफ़ी घंटों तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा और इस प्रदर्शन की वजह यही थी कि इनकी मैनेजमेंट के खिलाफ ये प्रदर्शन था और इनकी वेजेस काफ़ी टाइम से नहीं दी जा रही थी, तो इस वजह से इन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया और जिनमें एक पुलिस की गाड़ी भी इन्होंने एक डैमेज करी। तो उसके बाद ये कंडीशन देखने के बाद वहाँ के SSP शैलेंद्र मिश्रा मौके पर पहुँचे और उन्होंने भोजपुरी में इन लोगों से ये अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखें और इनकी जो भी मसला थे वो जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। आपका मेरा बात तय हो गया, अभी शोर नहीं पहनेगा। जम्मू कश्मीर ड्यूटी से बाहर जितने भी लेबर्स फंसे थे उनके वापसी का सिलसिला जारी है। वहीं इसी बीच रोहित कंसल ने एक ट्वीट करके ये बताया है कि लगभग 30,000 मजदूर जो जम्मू कश्मीर ड्यूटी से बाहर फंसे थे उनको घर लाया गया है और ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में इनके लिए ट्रेन सर्विस भी शुरू कर दी गई है और इनको अब ट्रेन के जरिए जम्मू कश्मीर ड्यूटी में लाया जाएगा। किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ में हिमाचल से आए हुए मजदूरों का टेस्ट अभी जो आए थे उनका टेस्ट लिया गया था, उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। वहीं पिछले दिनों एक खबर अफवाह फैली थी कि इन जो भी हिमाचल से मजदूर आए थे इनमें से 2 का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद तुरंत बाद ही किश्तवाड़ टाउन में एक अफरा तफरी फैली थी। वहीं इसी बीच DC किश्तवाड़ ने एक ट्वीट करके बताया था कि ऐसी कोई खबर नहीं है और लोगों से ये अपील की थी अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं कल उधमपुर हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई थी, जितने भी ये मजदूर थे इन सबका टेस्ट नेगेटिव आया है और इसी के साथ किश्तवाड़ सिटी अभी COVID-19 टेस्ट फ्री है। वहीं अगर कोरोना वायरस अपडेट की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर यूटी में 15 नए मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं और जिनमें से एक डॉक्टर भी है। इसी के साथ पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में 793 केस कोरोना वायरस के हो चुके हैं। वहीं इसके चलते आज 3000 टेस्ट प्रतिदिन जम्मू कश्मीर यूटी में कोरोना वायरस के हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।